कराची जीतने की जंग में पीपल्स पार्टी ने भी सफबंदी शुरू कर दी। शहर कायद की मेयरशिप लेने के बाद कौमी और सूबाई असम्बली की ज्यादा सीटें जीतने के लिए एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी दंगल जारी है। मुफाहमत के बादशाह ने शहर कायद में एंट्री देते हुए कहा, एमक्यूएम के दो रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी में शामिल कर लिया। 19 एडवोकेट और रजा हारून ने कराची में साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात की। रजा हारून 19 एडवोकेट एमक्यूएम से पीएसपी में शामिल हुए थे। पीएसपी बाद अजां एमक्यूएम पाकिस्तान में जम हो गई थी। सियासत नामुमकिन को मुमकिन बनाने के फन का नाम है। इंतखाबात करीब आते ही जोड़ तोड़ का सिलसिला जोर पकड़ने लगा। राबते मुलाकातें शुरू कर दी गई। कुछ अरसे मंजर आम से गायब रहने वाले एमक्यूएम के रहनुमा अनीस एडवोकेट और रजा हारून ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जराय का कहना है कि दोनों रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए डॉक्टर आसिम हुसैन मुतारिक रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों को पार्टी में शामिल होने पर खुशामदीद कहा। इस मौके पर शहर कायद की तरक्की, खुशहाली, कयाम अमन और मफामती माहौल के फरोग के हवाले से चार्टर ऑफ कराची पर भी तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी का चार्टर ऑफ कराची शहर कायद के मुस्तकबिल पर दूरस असरात मुरतब करेगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है। हम कराची वालों के साथ मिलकर शहर की उन रोशनियों को बहाल करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं जिन्हें अंग के दुश्मनों और नफरत के सौदागरों ने छीन लिया था। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने अनीस एडवोकेट और रजा हारून से चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो जरदारी के 10 निकाती एजेंडे का जिक्र करते हुए कहा कि हम इख्तदार में आकर कराची समेत मुल्क के हर शहर और कस्बे के लिए ऐसे फलाही मंसूबे लाएंगे जिनसे बदतरीन महंगाई के इस दौर में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा।